हे फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी यूजिंग फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज भी जिसे बोला जाता है, एंड राइस फ्लावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी अलसी की सीड्स साफ कर लिए थे। 1 कप ऑफ अलसी सीड्स मैंने लिए हैं। इसको मैं एक काफ़ी गर्म की हुई कढ़ाई में इसे मैं जस्ट थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। याद रखिएगा, इसे हम लोगों को हाई पे थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि बहुत अच्छे से एक क्रैकलिंग सा साउंड आ जाता है इसमें, विच इज़ एन इंडिकेशन कि ये अब पक चुकी है। क्योंकि रॉ अलसी या रॉ फ्लैक्स सीड्स का टेस्ट जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा मडी सा टेस्ट होता है, दैट्स वाई। एंड माइंड यू, फ्लैक्स सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इट्स लाइक इवन इफ यू हैव इट वंस अ वीक, इट्स रियली गुड। अब ये मेरे जो सीड्स थे रोस्ट होके ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे ग्राइंडर में बिल्कुल पाउडर कर लूंगी। अच्छा, आप जब इसे पाउडर करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि मिक्सी को खोल के आपको बार बार थोड़ा उसे मिक्स करना होगा ताकि इवनली ग्राइंड हो। यहाँ पे मैंने लिया है गुड़, और गुड़ को मैंने इस ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अराउंड 1 कप ऑफ गुड़ है आफ्टर ग्रेटिंग। मैंने 1 कप लिया है, यू कैन ऑल्सो ऐड 1.5 कप अगर आपको स्वीट पसंद है। सो फॉर 1 कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स यू कैन ऐड 1.5 कप्स ऑफ गुड़ एज वेल। ये है अवर पाउडर्ड फ्लैक्स सीड्स। अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी मेरा जो 1 कप ऑफ गुड़ पाउडर है। सो एज आई सेड, आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं, बट हम लोग उतना मीठा खाना प्रेफर नहीं करते। सो आई जस्ट ऐड 1 कप ऑफ गुड़ फॉर 1 कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स पाउडर। मैं थोड़ा सा घी भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर रहे एंड एक फ्लेवर आ जाए। तो इफ़ यू विश, आप इसके अंदर ड्राइड कोकोनट भी डाल सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वाटर बॉईल करने के लिए रख दिया है, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक 24 मंत्रा का राइस फ्लावर। राइस फ्लावर भी बहुत अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री है, अफोर्डेबल भी है। फॉर हाफ अ के जी इट्स 40 रुपीज, सो इट्स फाइन। आई टुक ऑलमोस्ट लिटिल विद लेस देन हाफ के जी। उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला, और अब ये वार्म वाटर है जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ऑल्दो मेरा वाटर थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया था, बट यू कैन यूज़ वार्म वाटर एज वेल। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। मेरा वाटर थोड़ा सा ज़्यादा हॉट हो गया था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा मुझे। इसको अच्छे से हम नीट करके एक डो बना लेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड 1 or 2 teaspoons ऑफ देसी घी एज वेल, जिससे इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाएगा। एज राइस फ्लावर इज़ ग्लूटेन फ्री, इसमें आपको वो वाला बाइंडिंग नहीं मिलेगा जो आपको आटा या मैदे में मिलता है। यू कैन सी इसकी बहुत अच्छी लोई नहीं बनती है, बट दैट इज़ द क्वालिटी, बिकॉज ग्लूटेन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब हम इस डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 to 20 minutes तक इस डो को हम रेस्ट होने देंगे। मीनवाइल मैं बना रही थी परवल के स्नैक्स, तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छा सा मसाला स्टफ़ करके इसे रोस्ट किया था। सो बैक टू आवर रेसिपी, 15-20 minutes हो गए हैं, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी एंड वाटर का मिक्स लेके इसको एक, जैसे हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं उसी टाइप से राइस फ्लावर का मैंने लोई लेके इसके अंदर थोड़ा सा ये जो बैटर था मेरा फ्लैक्स सीड्स एंड जैगरी पाउडर का, वो स्टफ किया था एंड उसे रोल करके एक बॉल बना दिया था। प्लीज़ टेक केयर कि आपके बॉल में कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज व्हेन यू स्टीम देम वो फिर ख़राब हो जाते हैं। अब हम लोग इसे हाई पे 20-25 minutes तक स्टीम करेंगे, जैसे ही आप इडली बनाते हैं इन अ सिमिलर वे। ये मैंने इडली का जो कंटेनर था उसी में बनाया हुआ है। अब अच्छे से स्टीम हो जाने के बाद यू कैन सी दे लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब क्यूट से लगते हैं ये छोटे छोटे। एंड ऐसा हो भी सकता है कि कभी आपका जो कोई बगिया है वो टूट जाए थोड़ा सा,
बट दैट्स फाइन बिकॉज टेस्ट रिमेन्स सिमिलर. सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. इट लुक्स सो डिलीशियस एंड कितना प्यारा वो उसके अंदर जो फिलिंग आया है फ्लैक्स सीड्स का प्रॉपर शेप में आया है. इट लुक्स वेरी गुड एंड इट टेस्ट वेरी गुड एज वेल. सो वी यूजली हैव इट विथ सम स्पाइसी सब्जी. यू कैन हैव इट विथ एनी थिंग. यू कैन हैव इट विथ घी एज वेल. So hope आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी. एंड इफ यू हैपन टू ट्राई दिस रेसिपी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.